जबलपुर स्थित बरगी थाना अंतर्गत बरगी नगर में क्राइम ब्रांच टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां अवैध मादक पदार्थ के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। 8 किलो 700 ग्राम यहां पर अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है, वहीं मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिवनी घनसौर की ओर से बरगी नगर की तरफ एक युवक डीलक्स मोटरसाइकिल से आ रहा है, जिसके पास में गांजा है। तत्काल कार्रवाई की गई है और आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ब्रांच और थाना बरगी की एक अच्छी कार्रवाई का उल्लेख कर रहा हूँ, जिसमें कि 8 किलो 700 ग्राम जो गांजा है, जिसकी कीमत 1,80,000 रुपये करीब है, ये जो है दो व्यक्तियों से मोटरसाइकिल से जो ले जा रहे थे उनसे बरामद किया गया है। ये दोनों जो आरोपी हैं, ये एक राजा चक्रवर्ती जो बरगी नगर का है और इसका जो साथी है सोमनाथ यादव, ये थाना घनसौर क्षेत्र का रहने वाला है, जिला सिवनी का। ये दोनों मोटरसाइकिल से ये गांजा ला रहे थे। वह इनकी नियत अभी तक जो पता चला है वो ये थी कि ये बरगी नगर में उसको बेचने की नियत से उसको लेके आ रहे थे। इस अच्छी कार्रवाई के लिए क्राइम ब्रांच की टीम और थाना बरगी की टीम को पुरस्कृत किया जाएगा।